नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लावा ब्लेज एक्स 5G वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M15 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ब्लेज एक्स में 6.39 इंच जबकि M15 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि ब्लेज एक्स से कम है। विड्थ की बात करें तो ब्लेज एक्स में 2.91 इंच जबकि M15 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो ब्लेज एक्स में 0.33 इंच जबकि M15 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि ब्लेज एक्स से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो ब्लेज एक्स में 183 ग्राम जबकि M15 5G में 217 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि ब्लेज एक्स से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो ब्लेज एक्स में एमोलेड जबकि M15 5G में सुपर एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो ब्लेज एक्स में 20:9 जबकि M15 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ब्लेज एक्स में 6.67 इंचेस जबकि M15 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ब्लेज एक्स में 1080x2400px FHD+ और M15 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ब्लेज एक्स में 89.56% जबकि M15 5G में 84.17% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो ब्लेज एक्स में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M15 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ब्लेज एक्स में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और M15 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो ब्लेज एक्स में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M15 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ब्लेज एक्स में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M15 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ब्लेज एक्स में मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 और M15 5G में मीडिया टेक डायमेंसिटी 6100+ मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 3 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB, 8GB की रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो ब्लेज एक्स में जबकि M15 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी ब्लेज एक्स में 5000mAh जबकि M15 5G में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो ब्लेज एक्स में 2 कलर्स जबकि M15 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
ब्लेज एक्स में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M15 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,682 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो लाभ, ब्लेज एक्स 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M15 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M15 5G आगे है, मेन कैमरा में ब्लेज एक्स आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ब्लेज एक्स आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा वीवो Y 200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।